Hello everyone, namaste, welcome back to my YouTube channel Kunchlo. My name is Gaurish and a lot of you people keep asking me that how to prepare for NEET examination starting from 12th standard. So aaj main aapko batane wala hu a roadmap that you can follow if you are in 12th standard or going to enter 12th standard so that you can ensure that your NEET examination goes well. And personally I can resonate with it kyunki 11th to sabka hi bekar jata hai, to be very honest. I think majority logo ka bekar hi jata hai because you are in a new city probably. आप नए कोचिंग सेंटर में हो, दे आर रूममेट्स एंड हॉस्टल्स एंड बैचमेट्स और सब कुछ नया एनवायरनमेंट रहता है. एंड इवन इफ यू आर लोकलाइज्ड देन अलग चैलेंजेस रहते हैं. एंड देयरफॉर आधा 11th तो डेफिनेटली यही समझने में चला जाता है. गोइंग टू टेल यू दैट व्हाट यू शुड डू इन 12th स्टैंडर्ड इन ऑर्डर टू यू नो रिकवर द बैकलॉग दैट यू हैड इन योर 11th स्टैंडर्ड एंड ऑल्सो टू एंश्योर दैट नीट एग्जामिनेशन गोज रियली रियली वेल. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल अबाउट इट. ओके, तो सबसे पहले मैं सबको बताना चाहूंगा दैट डजंट रियली मैटर वेदर यू आर इन 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड और इवन इन योर ड्रॉप ईयर. माय बायोलॉजी वीडियो, माय केमिस्ट्री वीडियो एंड माय फिजिक्स वीडियो आर द बेस्ट वीडियो दैट यू कैन गेट ऑन दिस चैनल डेफिनेटली. आई थिंक यू ऑल शुड टेक आउट सम टाइम एंड वॉच दिस 3 वीडियो. अगर आप उतने 3 वीडियो देख लोगे आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कैसे कैसे पढ़ना है. उसमें मैंने मेरे खुद के एक्सपीरियंस बताया एंड मेजोरिटी ये सब चीजें मैंने 12th स्टैंडर्ड में ही किए थे. काफी सारे पॉइंट वो वाले वीडियो के रिपीट होंगे एंड न्यू पॉइंट आएंगे. सो मेक श्योर टू वॉच द कंप्लीट वीडियो. नंबर वन पॉइंट इज टू हैव कॉन्फिडेंस. नाउ यू पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दैट ठीक है तुम्हारा 11th कोई भी रीजन की वजह से वेस्ट गया या फिर जो भी हुआ, तो पहले बात तो ये समझो यू आर नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच. ओके, ऐसा तो नहीं है दैट फर्स्ट टाइम यू आर सीइंग बुक और पहली बार बुक पकड़ रहे हो और उसको पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं है. डेफिनेटली तुम लोगों ने कुछ ना कुछ तो पढ़ाई है 11th स्टैंडर्ड में एंड कुछ ना कुछ टेस्ट तो दिए ही हो. हैव सम अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस दैट येस आई एम नॉट समवन हु इज स्टार्टिंग फ्रेश. मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है. नॉट फील दैट ओ माई गॉड आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच बिकॉज हाफ ऑफ द बैटल इज वॉन इफ यू जस्ट फील कॉन्फिडेंट अबाउट इट एंड इफ यू फील गुड इन योर हेड. एक बेस तो तैयार है मेरा, कम से कम मुझे सब्जेक्ट और टॉपिक्स और सारे रिसोर्सेस तो पता है एंड आई विल फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड विल डू माई बेस्ट टू कवर in 12th standard. I think this should be your state of mind and this is how your thinking should be and then you will be able to do it very 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 easy. ओके, नाउ द सेकंड पॉइंट इज टू हाउ टू डू बायोलॉजी. अब देखो 11th स्टैंडर्ड में आई डेफिनेटली अज्यूम कि आप लोगों ने बहुत सारा टाइम पास किया होगा बायोलॉजी में. यू माइट हैव रेड मॉड्यूल्स और अगर आपके क्लास के नोट्स वगैरह, बट नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट द टाइम इज नियर और अगर एक ही साल बाकी और आपको एक ही साल में निकालना है देन यू हैव टू डेफिनेटली स्टडी एनसीईआरटी. जितना अच्छे से हो सके उतने अच्छे से एनसीईआरटी करो. 12th का जो आपका चल रहा है बायोलॉजी का कोचिंग इंस्टीट्यूट वो तो डेफिनेटली करो. नाउ दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मिस्टेक दैट मेनी पीपल डू दैट वो 12th में 11th करने के चक्कर में 12th भी खराब कर देते. डोंट डू दैट. जो भी 12th में पढ़ा रहे बायोलॉजी में हो तो आपको पढ़ना ही अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी. बट वन मोर पॉइंट इज दैट विच इज गिवन विच वॉज एक्चुअली टोल्ड टू मी बाय माई सीनियर एंड इट वर्क्ड वंडरफुली फॉर मी इज कि आप जैसे 12th में हो आपको डेफिनेटली ये ट्राई करना है कि एवरी मंथ ऑफ योर 12th स्टैंडर्ड यू शुड कंप्लीट द एंटायर 11th की एनसीईआरटी. यस, थोड़ा डिफिकल्ट होगा, इनिशियली नहीं हो पाएंगी, लेकिन ट्राई टू डू दैट. दिस विल वर्क एज मैजिक फॉर यू ऑल. मैंने खुद ने ये किया एंड मेरे को बहुत ज्यादा उससे एडवांटेज विल बी फिजिक्स. नाउ फिजिक्स का कैसा है कि इट इज नॉट लाइक बायोलॉजी करके कि आप खुद से पढ़ के कर लोगे. इट रिक्वायर्स रियली ग्रेट अमाउंट ऑफ एफर्ट इफ यू आर स्टडिंग फ्रॉम योर ओन. एटलीस्ट आई कैनॉट डू इट. सो देयरफॉर ट्राई टू फाइंड सम रिसोर्सेज. अभी हमारे जो टीचर थे हमारे इंस्टीट्यूट के, ही एक्चुअली टोल्ड कि मैं रिविजन लूंगा, बट ही डिड नॉट टुक एनी रिविजन यू नो ऑफ 11th or of 12th standard at the end and therefore we were stuck and इसलिए thank god मैंने और मेरे friends ने मिलके we started doing our 11th का backlog only in 12th standard by ourselves only. so I would definitely like to tell you that online resources try करो. YouTube पे आपको इतने सारे मिल जाएंगे. try to find from 2-3 different YouTube channels and देखो कि आपके लिए क्या suit कर रहा है and whatever suits for you try doing your physics from that because अगर आप institute पे depend रहोगे तो वो कभी भी late कराते या फिर नहीं भी कराएंगे. in worst case scenario which actually happened with me. cover all the physics chapter and मैं definitely बोलूंगा कि notes निकालना important है, लेकिन once you do everything your physics का वो जो भी आपने lecture देखा बहुत ज्यादा important है कि आप question solve करो. मैं solved example करता था and also along with that I used to do MCQs and pass. speaking of doing previous year question, I think there is no better way than Oswal books. there are NEET UG 16 years solved paper from 2006 to 2021 so completely relevant.
definitely very good for NEET 2022 exam and any exam of NEET. Definitely help you boost your marks because last year karna bahut zyada important ho jata hai. So NEET UG year wise solved paper completely fully solved. Aapko papers milenge, aapko mind map milega, a single page snapshot for of the entire chapter for longer retention as it will definitely help. What is more amazing are mnemonics to boost memory and confidence. You get Oswal QR codes also, easy to scan QR code hote, online content bhi aapko available ho jayega uski wajah se. Analytical report bhi hota hai jo ki unit wise question hai distributed in each subject. Aapko two SQPs milenge based on the latest patterns which is really good. Question paper set aapko milega and tips and tricks to crack NEET examination jo main bhi batata rehta hu wo bhi aapko Oswal books ke andar milenge. And trend analysis subject wise and chapter wise aapko detailed analysis milega jisse aap predict kar paoge ki aapka preparation kya hai and kon you know paper mein kya aane wala hai. And this will definitely help you to move your preparation in full swing. Pure physics chemistry biology teeno subject hai isme pure solved aapko paper bhi milenge aapko practice karne ke liye bhi milenge. So make sure to check it out, link will be in the description box below. One more very important tip that I would like to tell you is that jaise hi aapka chapter khatam ho jaye please understand to make this one a page short note jisme aap wo chapter ke thodi si short mein summary jo ki ek page mein puri aa jaye. Along with that a lot of formulas, all the formulas that you need and that you need to revise again and again, make one page so that will help you to revise and isse aapka bahut time kam ho jayega. Now the fourth point will be of chemistry. Now chemistry ka jo bhi physical chemistry hai wo physics jaisa hi hai jaise ki maine bataya ki definitely online resources ka use karo kyunki khud se NCERT padhne jaoge to kuch bhi nahi samjhega initially and you do not want to waste time as one year is only remaining. So therefore take the help of teachers. Agar teachers acche nahi ho tumhare institute ke to YouTube ka sahara lo, ample resources aapko mil jayenge. Definitely try solving solved in question from last year are extremely important and some NCERT based question to aapka physical bahut aasani se ho jayega. And 11th is actually a lot of physical so you need to do that. Second is organic. Vaise 11th mein khas koi organic nahi hai lekin fir bhi I would like to tell you that do not fall into trap of teacher and institution teaching you a lot kyunki again try to understand what are the trends going on. Organic ka out of NCERT question aate the 2-3 saal pehle lekin ab aane band ho gaye, bilkul bhi band ho gaye. So therefore meko organic mein out of mile isliye main bata raha hu. NCERT mein hai utna online resources ya fir teacher se correlate karke chalo, utna hi bar bar revise karo. Agar aapke paas itna time hai to NCERT ke back exercise karo 101% definitely last year to aapko karna hi hai again in organic chemistry. And aapko definitely jo you know NCERT based question hai chemistry ka video dekh sakte ho in order to get detailed. Try solving that and आपका organic भी खत्म हो जाएगा. Third is inorganic. आपका inorganic is just like biology. Open your NCERT test book and start reading it. I cannot tell a more impactful thing than that. It is everything is given in NCERT. आपको समझ में आएगा, you know आपके concept बैठेंगे, आप correlate कर पाओगे 101% try solving. Try के आपको करना ही है solve last year questions and 101% solve the NCERT based question. Definitely try करो कि चलो 100% नहीं तो 50% तो भी आपका इनऑर्गेनिक जो 11th स्टैंडर्ड का है वो भी रिवाइज हो जाए. हाइड्रोजन चैप्टर, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, दे ऑल कैन बी डन बाय योर ओन. यू डोंट रिक्वायर एनी सच पर्सन टू डू इट एंड द ओनली बेस्ट वे टू डू बैकलॉग इज बाय स्टडिंग ऑन योर ओन ऑफ इनऑर्गेनिक. फिफ्थ पॉइंट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है और ये इस वीडियो की बोनस टिप भी है दैट 12th स्टैंडर्ड में एक बात अच्छी हुई हमारे इंस्टीट्यूट की, फाइनली एक बात अच्छी हुई कि वो लोग टेस्ट लेते थे जिसमें वो 11th भी टेस्ट करते थे अलॉन्ग विद डूइंग 12th. एंड एवरी 14 डेज में आई रिमेम्बर कि हमारा 11th पे भी टेस्ट होते थे जिसमें दो तीन चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी फ्रॉम 11th यूज टू कम इन द टेस्ट. तो उसके वजह से ना मेरा ऑटोमेटिकली इतना अच्छा रिवाइज हो गया एंड that really helped me. So one more thing I would like to tell you, that one thing which will surely help you a lot in your 12th standard to revise 11th standard and to actually score really well for your NEET examination along with doing 12th of course, is to definitely take test. अगर आपके इंस्टीट्यूट टेस्ट करा रहे हो जिसमें वो 11th भी टेस्ट कर रहे हो सो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपके इंस्टीट्यूट नहीं करवा रहे हो आई वुड डेफिनेटली हाईली सजेस्ट यू टू एनरोल इन सम प्राइवेट इंस्टीट्यूट, भले ही ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन जो भी आपको मर्जी में हो और जो भी अवेलेबल हो आपके इस पे. क्योंकि जब तक कोई अथॉरिटी आपको नहीं बोलेगी ना कि पढ़ ले, यू नो तुमको ये पढ़ना ही पड़ेगा, 3 चैप्टर आएंगे, ये क्वेश्चन आएंगे और इसके स्कोर तुम्हारे पेरेंट्स को जाएंगे 720 मार्क्स पे, जब तक कोई अथॉरिटी आपको नहीं करेगा तब तक सेल्फ डिसिप्लिन आना डिफिकल्ट है और तब तक वो
प्रॉपर टाइमलाइन में चैप्टर्स कंप्लीट करना और सिलेबस कंप्लीट करना डिफिकल्ट है. दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड एंड प्लीज डू लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल कुंचलो एंड डेफिनेटली एट द एंड कीप स्टडिंग बी हैप्पी. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी हैप्पी. बाय.